दोस्तों आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय पर भारत के ऊपर में राज करती थी। इसका गठन 1600 में हुआ था ताकि भारत से स्पाइसेस, चाय और कॉफी को एक्सपोर्ट करके यूरोप ले जा सके। लेकिन भारत में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इस कंपनी को बंद कर दिया गया और उसके बाद से इसका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन 2003 में इसके सारे शेयर होल्डर्स वापस इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना इस कंपनी को रिवाइव किया जाए। वो तो 2005 में एक भारतीय संजीव मेहता ने इसके सारे शेयर्स को खरीद लिया और आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी को तब्दील कर दिया है एक लग्जरी चाय, कॉफी और फूड ब्रांड में, जिसकी प्रेजेंस वेस्ट एशिया से लेकर के यूके तक है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी भारतीय को ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी पर आ गया तो फिर वो कुछ भी करके दिखा सकता है। तो दोस्तों ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।